सांगम जी, सबसे पहले मैं भी शुक्रिया अदा करूंगी अपनी पार्टी की जानिब से भी और तमाम वर्किंग पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप की जानिब से कि एसएससीओ की एक आविश जिससे हम सबको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि हम जाके आवाम में अपनी कम्युनिटी में बात करें इन इश्यूज पर। इसके साथ हम सब ने साबिश की इनकी तावन से कि हम कम्युनिटीज में गए, अपने इलाकों में गए, वहां पे सेमिनार मुनक्कद किए, आवाम के साथ गुफ्तगू की और उनको अवेयर किया इन कानून के हवाले से। दूसरी तरफ हमने वैसे लेजिस्लेटर्स अपना रोल निभाते हुए पार्लियामेंट में सिविल असेंबली में भी हमारे जो तीनों वर्किंग टूल्स होते हैं क्वेश्चन पॉलिटेंशन और रेजोल्यूशन, हम सब लोगों ने अपने हिसाब से इन कानून से रिलेटेड और इन इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन सबमिट किए असेंबली में ताकि ये मौजूदात ऐवान में आए, ऐवान के फ्लोर पर डिस्कस हो और हम सब मिलकर बात करें, सवाल करें कि आखिर क्या वजूहात हैं कि असेंबली ने कानून साजी तो बेहतरीन कर ली लेकिन वो क्या मुश्किलात हैं, वो क्या दुश्वारियां हैं कि जमीन पर वो कानून डिप्लॉय नहीं हो रहे, अवाम उनसे फैजियाब नहीं हो पा रहे। इस सिलसिले में भी हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए क्वेश्चन सबमिट किए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि डिपार्टमेंट हमारे जमा करदा सवाल का मुफसल जवाब देगा और हाउस में सवाल को प्रेजेंट किया जाएगा ताकि ये मौजूद। तो जनाब, ये आज आपके सामने मीडिया के सामने वो तमाम जितने भी एसएसडीओ का इस वक्त तक जो काम लेजिस्लेटर्स के साथ था सिंध में, वो आपके सामने तमाम एमपीएस ने रखा कि हमने मुख्तलिफ, हम एमपीएस हैं, मैं सीनियर हूं और भी हमारे इसमें सीनियर हैं, जूनियर हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा काम होता है लेकिन एमपीए जो लेजिस्लेटर होता है वो वहां जाकर मुतमईन होता है जब वो देखता है कि ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए आई है या फोटो सेशन तक महदूद है या अमलन कोई काम कर रही है। तो ये जो इतने सारे हमारे लेजिस्लेटर्स यहां बैठे हैं एमपीएस, इन्होंने अगर एसएसडीओ के बारे में कहा है कि ये जेन्युइन ऑनेस्टली और प्रैक्टिकली काम करना चाह रही है और हमारे साथ इस वक्त तक जितने भी वर्कशॉप में इनकी सिटिंग्स हुई हैं या इवेंट्स हुए हैं उसमें हम सब सेटिस्फाई हैं कि ये चाह रहे हैं कि आवाम की भलाई, हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है, ये इंटर प्रोविंशियल जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर होने चाहिए ताकि एक दूसरे के सूबों में जाकर हम वो तमाम चीजें, वो कानून समझें कि हमारे यहां ये कानून नहीं है तो हम अपने सूबे में जाकर ये कानून पास कराएंगे या जो हमें वहां ट्रेनिंग दी गई है या रूल्स के हिसाब से कि वहां ये रूल्स हैं, सिंध में ये रूल्स हैं, तो ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है और ईमानदारी से आगे लेजिस्लेटर को ट्रेन करना चाह रही है और उसका के सम्राट आवाम तक पहुंचना चाहे, तो इस वक्त आपके सामने जीडीए मौजूद है, पीटीआई मौजूद है, पीपल्स पार्टी को भी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि क्योंकि वो गवर्नमेंट की पार्टी है, ट्रेजरी से उनका ताल्लुक है, उनका होना भी बहुत जरूरी है। कई मौके पे वो आए हैं, कई मीटिंग्स में, कई में वो एब्सेंट हो गए। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हम काम करेंगे आखिर उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ट्रेजरी बेंचेस से निकलेगा, वही इस पर इम्प्लीमेंट भी करा पाएंगे। तो आपके मीडिया के थ्रू आज ये मैसेज भी हम अपनी सिंध हुकूमत की तरफ भेज रहे हैं कि देखिए जो कानून आप पास करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपका काम है, आप पहुंचाए। नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा प्लान था जो वो बना और उसके सम्राट चारों सूबों तक पहुंचने चाहिए, अवाम तक। एसएसडीओ ने ये सोचा समझा कि नहीं, इसके सम्राट आवाम तक पहुंच रहे, जो एक तो लोगों को आसपास का पता नहीं चलता, एक हेट स्पीचेस का हमने जो ट्रेनिंग की, हमें बहुत सारी चीजें अदराब एसएसडीओ के जो ट्रेनर्स थे जो जिन्होंने हमें ब्रीफ किया उनके थ्रू पता चला कि ये कुछ अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ निचली सतह तक तो लोग तो बिल्कुल बहुत सारी परेशानियों में आ जाते हैं। जैसे किराएदारी एक्ट का हमें भी बहुत सारी चीजें इस ट्रेनिंग में पता चली कि इसमें जाकर हमें कहां कहां इसको देखना है, पढ़ना है, लोगों को अवेयर कराना है। तो यकीन माने लोग चाहते हैं कि हमें इस कानून के बारे में आगाही मिले और हमें थोड़ी सहूलतें मिले कि हम इस कानून के तहत जाकर अपने मसाइल का हल निकाले। तो बहरहाल ये बहुत जबरदस्त चल रहा है एक सिलसिला और हम चाहते हैं कि एसएसडीओ के जो इस वक्त हमारे सामने जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इसको लेके चल रहे हैं, जो उसके ऑनर हैं अब्बास, कौसर अब्बास हैं, अमजद हैं और दुरे शहवार, वो इसका बेहतरीन हिस्सा है, पूरी टीम जो इस वक्त मौजूद नहीं है वो आ जाएंगी। तो ये एक सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले को मीडिया के सामने लाने का मकसद भी यही है कि काइंडली मीडिया भी अगर हमें कोऑपरेट करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम लेजिस्लेशन तो करते हैं लेकिन आवाम से हम पर जाएंगे। तो क्या ये गलत हम सीख रहे हैं आवाम की बेहतरी के लिए? इन चीजों से ट्रेजरी को भी बहुत सपोर्ट मिल रही है। तो यहां से हम सीएम मुराद अली शाह साहब को रिक्वेस्ट करेंगे,
बिलावल जरदारी को रिक्वेस्ट करेंगे और वहां पर जो ट्रेजरी बेंचेस पे जितने भी एमपीएस हैं और बस बुजुर्ग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि देखें एक आपको सपोर्ट मिल रही है, वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करे, आपके एमपीएस को ट्रेंड कर रहे हैं, आपकी लेजिस्लेशन में आपको फायदा दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अपने लोगों को भेजिए ताकि वो फैसिलिटेट हों और उनके साथ मिलकर असेंबली में जब यूनैनिमसली एक चीज आएगी, बिलीव मी, तो यूनैनिमसली का ये होता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है आवाम को, उसको उसका सीधा फायदा भी पहुंचता है। आपका दूसरा सवाल कि खुदा न खासा कोई लॉबिंग हो रही है, तो एक साथी होने के नाते मैं तो समझ गई टेक्निकली कि आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इतने मेरे ख्याल में ना अनअवेयर है, ना हमारा एक्सपीरियंस इतना कम है, ना खुदा ना खास्ता हमें कोई किसी दूसरे ऐसे उसमें इस्तेमाल कर सकता है। एसएसडीओ ने अपना ना सिर्फ पंजाब में काम किया है, दूसरे सूबों में काम किया, उसके बाद अब सिंध में आए तो वहां कामयाब एक काम कर चुके हैं, वहां के लोग, वहां के लेजिस्लेटर, वहां की हुकूमत ने इनसे फायदा उठाया है, तभी ये सिंध में एंटर हुए और हमने इस वक्त तक जितना भी काम देखा है यकीन माने वो आम आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अगर हम समझते कि ये भी वही फोटोशॉप वाली एनजीओ है और सिर्फ उनका मकसद यही है कि फंड लेना है और सिर्फ तस्वीरें खींचना है, तो शायद हमारे आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी कम हो जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जा रहे हैं, एमपीएस और बढ़ते चले जा रहे हैं और आप देखिएगा कि कल भी एक इवेंट है इंशाल्लाह ताला, उसमें तमाम जितनी स्ट्रेंथ होगी उससे आपको नजर आ रहा है कि वो सीरियस होकर हमें ज्वाइन भी करेंगे और वो समझेंगे कि ऐसा ना हो कि हम हमारे पर मजीद क्रिटिसिज्म हो, हम जाकर इनको ज्वाइन करो, अच्छी बात है, आए ज्वाइन करें इस प्लेटफॉर्म से, हम अगर मिलजुल कर आवाम के मसाइल को हल करें और वो आगाही पहुंचाएं आवाम को, ताकि आवाम खुद उन अपने उन राइट्स को खुद हल करने के लिए पहुंचे, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये चीज है, प्रेशर डेवलप करना है इस वर्कशॉप के जरिए, आगाही देनी है और मिलजुल कर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के साथ काम करने की सूरत है। आगे देखिए रिजल्ट आपके सामने आएगा और हम आपके सामने वो भी शेयर करेंगे कि इन तमाम चीजों के बाद, इतनी हार्ड वर्क करने के बाद, इतनी लोगों को आगाही के बाद रिजल्ट क्या आता है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर। अच्छा, हमारा मकसद अल्टीमेटली ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि एक कॉमन मैन को एम्पावर किया, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम समझ रहे हैं कि टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान है वो सबसे ज्यादा बालातर है, सबसे ज्यादा, और शायद वही है कि जिसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, उसकी राय शामिल होनी चाहिए। जैसे कि आपके सवाल भी आ रहे थे और मैडम ने बड़ी अच्छा जवाब दिया उसका कि आवाम के पास हम क्यों जा रहे हैं, हम टॉप टू बॉटम अप्रोच के पास जा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन को उस पर कैपेसिटी बिल्डिंग करके उसके बाद पार्लियामेंटेरियन के जरिए हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के जरिए हम वहां के लोकल स्टेक होल्डर्स के पास जा रहे हैं, और मकसद हमारा तो हम अपने घर से कोई चीज नहीं लेके आ रहे, हम यही कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं उन्हीं लॉज को आप इम्प्लीमेंट कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और कहीं अगर तब्दीली की जरूरत है, अगर सारों का कंसेंसस बिल्ट हो सकता है, होता है उसके ऊपर, तो वो हम उनको प्रपोज करें। जितनी भी हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जाहिर है हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट आइडियाज बिल्ड करते हैं, ये सारी गेम ऑफ आइडियाज होती है कि आप वो जो प्रपोजल बिल्ड करते हैं उसके अंदर क्या चीज लोगों को देते हैं कि हम इस काम को कितना अच्छा किस तरीके से करेंगे, तो जाहिर है हम गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेते, हमारी सारी फंडिंग प्राइवेट होती है या इंटरनेशनल होती है या नेशनल इदारों से होती है जो हम लोग दे रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट की कोई इसमें मतलब कौन से इदारे, मतलब देखिए हमारे पास हम मल्टीपल डोनर्स के साथ हम काम करते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी करते हैं, हम ऑक्सफर्ड के साथ भी करते हैं, हम यूएसएआईडी के साथ भी करते हैं, हम अभी इंशाल्लाह यूएसआईपी के साथ होपफुली काम करने जा रहे हैं, डीआई पाकिस्तान के साथ हम काम करते हैं, फाकन के साथ हम काम करते हैं, तो मल्टीपल जो डोनर्स होते हैं, जाहिर है हमारे मैंडेट के साथ जो भी कोई काम कर रहा होता है तो हम उसे अप्रोच करते हैं अपने जो भी आइडिया बिल्ड करके कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो वो जितने भी हमारे जैसे इदारे होते हैं वो इसी तरह ही कर रहे होते हैं सारा। दूसरी बात आपने कहा जी कि ये सफर हमने सिंध में तो चले अभी शुरू किए, हम पंजाब में बड़ा सक्सेसफुल काम हम कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं, और इसमें होम डिपार्टमेंट भी था, इसमें लॉ डिपार्टमेंट भी था, इसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी थी, यूथ डिपार्टमेंट भी था सिंध का, मल्टीपल एक डिपार्टमेंट्स के लोग भी थे, जो सारे लोग सिंध में गए, पंजाब गए, और उसके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग भी, और वहां पर लेके जाने का मकसद ये था कि क्या अच्छे जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं पंजाब में वो उन लोगों को ओरिएंट किया जाए और ये लोग वहां से इधर ले गए। इंशाल्लाह अगले कोई दो एक महीने बाद हम पंजाब का भी एक ग्रुप सिंध लेके आ रहे हैं कि वो देख के जाएंगे सिंध में क्या अच्छा हो रहा है,
कि वो लोग वहां जाए, तो उसका मकसद है कि क्रॉस पार्लियामेंट्री एक्सचेंज किया जाए। अच्छी प्रैक्टिस कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो पंजाब में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स लेके आते हैं, ठीक है। और मकसद भी यही है कि रिजल्ट्स आए तो ही उस काम का फायदा है, वरना ये लोग माशाल्लाह बड़े मसरूफ लोग हैं, इनके पास इतना वक्त नहीं है कि मेरे पास मेरी कॉल पर होगा, ठीक है। ये तभी आएंगे कि जब इनको भी यहां से कुछ नजर आएगा कि हम कुछ सीरियस एक्सरसाइज कर रहे हैं या जस्ट एक लोगों के साथ बैठ के फोटो बना के उसको होगा रहे हैं। तो मकसद हमारा यही है कि हम अच्छे तरीके से काम करें। मेंबर्स को पूरी दुनिया में रिसर्च स्टाफ मिलता है, हर मेंबर के साथ रिसर्च स्टाफ होता है। यहां पे कितने लोग बैठे हैं, इनसे आप पूछें किस किस के पास रिसर्च स्टाफ सभी ने दिया हुआ है। तो क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है, तो फिर हम जैसे इदारों को आके इनकी सपोर्ट के लिए आना पड़ता है और इनको चीजें ड्राफ्ट करके भी देनी होती है। इनको चीजें जो है वो कोई हमारी खुदा ना खास्ता इसमें ये नहीं होती कि हमारा कोई जाति एजेंडा है कि जैसे कहा जी को हम लॉबी तैयार कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता सिंध में मैंने कल सीएम बनना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हमारा मकसद यही है कि पार्लियामेंटेरियंस को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि इलेक्टेड लोगों का असल काम होता है असेंबली के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करना और मजबूत करना और लोगों के इश्यूज को वहां पर हाईलाइट करना। तीन काम है ना एक पार्लियामेंटेरियन के, लेजिस्लेशन, रिप्रेजेंटेशन, ओवरसाइट और चौथा काम बजट मेकिंग। तो ये चार काम अगर अच्छे तरीके से कोई भी पार्लियामेंटेरियन करना शुरू कर दें और सारे करना शुरू कर दें, तो मैं कहता हूं कि यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी तब्दीली आने के लिए और कोई ज्यादा आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं। अगर लेजिस्लेटिव ओवरसाइट के जरिए आप सवाल जमा कराना शुरू कर दें, क्वेश्चन करना शुरू कर दें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना शुरू कर दें, तो सरकारी अफसर की अकाउंटेबिलिटी तो आप वहीं पर कर रहे हैं असेंबली के अंदर करें। तो हम ये समझते हैं कि अगर पार्लियामेंटेरियन के रोल को जो है वो एम्पावर किया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे हम काम कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के हम पायनियर हैं पाकिस्तान में। राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या मकसद है कि जब हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आज से 10 साल पहले करना शुरू की थी, मैं उस वक्त 12 साल पहले मैं स्टूडेंट था तो मैंने ये बात करना शुरू की थी। मैं सरकारी अफसर को लेटर लिखता था तो मुझे डीसी का तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मेरा बजट कितना या मेरे दफ्तर का खर्चा कितना है। भाई उसको मैं यही कहता था कि भाई सर मैं टैक्स पेयर, मैं इस मुल्क का शहरी हूं, तो आप बताना कि मुझे पता नहीं पैसा आपका नहीं है, ये पैसा मेरा है। तो कल हमारा इसी पे प्रोग्राम है इंशाल्लाह, बड़ी डिटेल बात होगी कल राइट इन्फॉर्मेशन पे। तो मकसद इसमें यह है कि एक तरफ लोगों को एम्पावर किया जाए, इस काबिल बनाया जाए कि लोग जो हैं उनको एजुकेट करें और पूरी दुनिया में सिविक एजुकेशन एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। पाकिस्तान में वो होता है कि यदि अच्छा जी अगर रखना है तो रखना, नहीं तो मर्जी आपकी, च्वाइस होती है, ठीक है। तो सिविक एजुकेशन एक तो लोगों को दी जाए, दूसरा पार्लियामेंटेरियंस का रोल एम्पावर किया जाए। गवर्नमेंट के जहां पे अफसर आना उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, ये नहीं है कि उनको खुदा ना खास्ता हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनको भी हम टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे होते हैं कि जी आपको इस तरह करना चाहिए, ऐसे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब हम सारे के सारे लोग, मीडिया के साथ हमारा काफी इस हवाले से इंटरेक्शन और काम होता है, क्योंकि जब आप सारे लोग या हम सारे लोग, क्योंकि ये भी हमारे हिस्सा है और हम भी इनका हिस्सा है और आप भी सबसे हम सब में से अहम आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग हमारी जो आवाज है उसको सारी दुनिया को तो दिखाते हैं। और आजकल तो जो पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पे या आप चीजों पे देखते हैं वही चीजें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम लोग सारे अपना रोल प्ले करेंगे तो चेंज तभी आएगी। चेंज ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियन लेके आ सकते हैं, ना सिर्फ मैं लेके आ सकता हूं, ना सिर्फ आप लेके आ सकते हैं, ना सिर्फ आवाम लेके आ सकती है। तो इसलिए हम जब कोई भी इवेंट करते हैं या कोई भी सिंध में हो रही है, नूस्तान में हो रही है, केपी में हो रही है, अच्छा नॉलेज, और नॉलेज तो ये हदीस भी है कि लेने के लिए आपको चीन भी रहना पड़े तो आपको जाना चाहिए, तो हम ये तो पंजाब तक गए। तो मकसद इसका यही है कि जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जाए और डिफरेंट जगहों पे उन चीजों को कोट किया जाए और इन चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाए।